सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ध्यान दीजिए, आज राम जी काम की चर्चा कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं जरा विचार करिए। यदि राम जी काम की चर्चा भी कर रहे मान लिया जाए तो राम जी के सामने काम कांटे नहीं आते। जहां राम तहां काम नहीं, संभव ही नहीं, और कर भी रहे हो तो परम बैरागी से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? शेष जी से कर रहे हैं। और ये शेष भी कौन है? एक तरह से राम जी का बिछौना है, क्योंकि शेष की सैया पर ही आप सागर में विश्राम करते हैं। अब कोई अपने बिछौना में बैठा हो और बोल रहा हो तो बिछौना जवाब नहीं देता, वो सुनता रहता है, उसका काम सुनना है। इसलिए राम जी चर्चा भी कर रहे हैं तो परम बैरागी से कर रहे हैं। अब बैरागी ने सोचा, आज मैं अपने ईश्वर का श्रृंगार कर दूं, अपने नारायण का श्रृंगार कर दूं। और देखो, सही मायने में देखा जाए तो परमात्मा का श्रृंगार कोई बैरागी ही कर सकता है। संसारी के श्रृंगार में, सौंदर्य में कहीं दूसरी गंध आ सकती है, लेकिन बैरागी का श्रृंगार तो अद्भुत होता है। आज लखनलाल जी मेरे प्रभु को ले गई, लताओं के मध्य में ले गई, नाना प्रकार के पक्षी राम जी को देखकर नृत्य कर रहे हैं। महाराज कई पक्षी हैं यहाँ पर, सब नृत्य कर रहे थे, मोर ने भी नृत्य किया, मोर के पंख गिर गए। आज लखनलाल जी ने क्या किया? सरकार का श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद मोर पंख लगा दिया। अच्छा, जैसे पुजारी श्रृंगार करता है ना, तो पुजारी श्रृंगार जब अंदर करता है पर्दा लगा देता है, श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, और भक्त बाहर खड़े इंतजार करते कब पर्दा खुलेगा, जब पर्दा खुलेगा हमको दर्शन मिलेगा। मानो लखनलाल जी श्रृंगार कर रहे हैं, माँ जानकी सखियों के साथ खड़ी इंतजार कर रही है कब हमें प्रभु का दर्शन होगा। और जो ही पर्दा हटाया लखनलाल जी ने, माँ की दृष्टि बड़ी और माँ ने देखा, तो देखते ही माँ ने क्या किया? लोचन मगरा मही उड़े पलक कपाट सया। माँ ने नेत्रों के माध्यम से मेरे राम जी को देखा, और देखने के बाद क्या किया? माँ ने नेत्रों के माध्यम से प्रभु की मूर्ति को अपने हृदय में बिठा लिया। क्या सुंदर चित्रण है, जरा विचार करिए। आप मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, क्या करते हो? नेत्रों के माध्यम से करते हो ना, तो नेत्रों के माध्यम से दर्शन कर उस मूर्ति को कहाँ बैठाना है? हृदय के सिंहासन में बैठाना है। मंदिर का भगवान अर्चा विग्रह है, अर्चा माने पूजा, मंदिर के भगवान की पूजा होती है, आरती होती है, सेवा होती है। तो मंदिर का भगवान अर्चा विग्रह है और कथा का भगवान चर्चा विग्रह है। सुनते हैं, चर्चा माने सुनना। और देखो क्या सुंदर, कथा के भगवान को कान के माध्यम से हृदय में बिठाना है, और मंदिर के भगवान को नेत्र के माध्यम से हृदय में बिठाना है। काम वही करना है जो माँ विदेहनंद नहीं कर रही है। लोचन मगरा मही उरे आन्हे और दीने पलक कपाट सया। कपाट किसे कहते? कपाट माने दरवाजा, कपाट बंद कर दो। ये बुंदेलखंडी शब्द है, गोस्वामी जी की जन्मभूमि, हम लोगों के क्षेत्र का है। महाराज कपाट बंद कर दो, तो माँ ने दोनों पलकें बंद कर दी। अच्छा, पलकों में निमी महाराज बैठे रहते, हमारी बार बार पलकें उठती हैं, निमी महाराज बैठे। लेकिन आज देखा कि जब जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को देखा, तो बाबा कबीर ने कह दिया कि लिखा लिखी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए
तो फीकी पड़े बरा। उस वाटिका के बाद स्वयंवर शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, पहले नहीं किया। उस वाटिका के बाद ही स्वयंवर शब्द आया, उसके पहले नहीं आया। क्यों? माँ ने प्रभु को देखा और प्रभु ने माँ को देखा। आज भी वर कन्या को देखती है और कन्या वर को देखता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। होने वाले दाम्पत्य में प्रवेश करने वाले यदि कन्या वर को देखे, वर कन्या को देखे, तो बुराई नहीं है, लेकिन दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। वासना की दृष्टि से न देखा जाए, उपासना की दृष्टि से देखा जाए तो श्रेष्ठ है। लेकिन आज रूप बदला हुआ है, आज उपासना की दृष्टि खत्म। ध्यान दें, अब माँ ने नेत्र बंद कर लिए तो लखनलाल जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, प्रणाम करके माँ से कहा, माँ आपने आराध्य का दर्शन किया, लेकिन जरा पुजारी पर भी कृपा दृष्टि डाल दें। इस समय पुजारी कौन है? लखनलाल जी। यानी आपकी कृपा दृष्टि, परमात्मा का आपने दर्शन कर लिया, क्या इस पुजारी इसकी पात्रता नहीं है? क्या आपकी कृपा दृष्टि उस पुजारी को नहीं मिलनी चाहिए? तब लखनलाल जी निवेदन किया, तो माँ ने मानो नेत्र खोल कर एक बार देखा। और माँ देख क्यों नहीं रही थी? माँ नेत्र खोल क्यों नहीं रही थी? माँ ने सोचा, मैंने राम जी को देख लिया है, अब कहीं राम जी चले जाए तो मैं और कुछ देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। यानी एक बार ब्रह्म का दीदार हो जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए, फिर और कुछ देखने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। राम झरोखा बैठ के, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, और जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा भी। ध्यान देना, अब इधर एक सखी ने कहा जानकी जी से, हे जानकी चलो शायद कल ये फिर आएंगे। व्यंग किया राम जी पर, चले और शायद ये कल फिर आएंगे। अब जानकी जी यहां से जा रही है, माँ गौरी के मंदिर की ओर चली जा रही है, और मुड़ मुड़ करके राम जी को निहारती चली जा रही है। माँ पहुंची गौरी के मंदिर में और गोस्वामी चित्रण करते हैं, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय 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 ज
के माँ गौरी का पूजन तो किया था लेकिन प्रार्थना नहीं की थी। अब जाकर प्रार्थना की है और माँ ने यहाँ तीनों रूप माँ के दर्शाए। जय जय गिरिवर राजकिशोरी, आप महाराज हिमांचल मैना की पुत्री हो। जय महेश मुख चंद चकोरी और भगवान भोलेनाथ की आप अर्धांगनी हो। आगे कहा, जय खड़गदन जय गज बदन षडानन माता। और आप कार्तिकेय और महाराज विनायक की, गणपति महाराज की आप माता भी हो। फला की पुत्री हो, फला की धर्म पत्नी हो और फला की माँ हो, ये परिचय दिया जाता है। किसकी बेटी? फला की बेटी। किसकी धर्म पत्नी? फला की। और जब बेटा हो जाए तो कहा जाता अमुक की ये माँ है, ये परिचय है। आज माँ ने परिचय दिया और कहा कि आपको जगन माँ हो। हे माँ, मैं आपको आज प्रणाम कर रही हूं। और जो ही माँ जानकी ने वंदन किया, श्री माँ गौरी को, और जो ही वंदन किया तो आज माँ गौरी की मूर्ति प्रसन्न हो गई, मुस्कुराने लगी। और गोस्वामी जी कहते हैं माँ ने आशीर्वाद दे दिया, सोने सी असाते कहा, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी का वचन सदा पवित्र है। क्यों? ऐसा क्यों कहा पार्वती जी ने? क्योंकि नारद जी के वचनों का पालन किया तो मुझे भी भोलेनाथ मिले। आज मां कह रही है कि सोवर मिले जाही मन राखा। आपने जिसको मन में बसाया हुआ है, बिछाया हुआ है, वो आपको जरूर प्राप्त होंगे। मन जाय ही राजे मिले सोवर, सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान सेल, स्नेह जानत रावरो।